प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी के आत्मा शांति हेतु रायपुर सागौन बंगले में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा में नवापारा से भी जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की रायपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष रुक्मणी साहू के नेतृत्व में नवापारा से जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वर्गीय अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनकी छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान रुक्मणी साहू ने डॉक्टर रेणु जोगी व अमित जोगी से भी भेंट कर उनसे बातचीत की। वहीं पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी के साथ बिताए पलों को सहेज कर रखने के लिए बनी डायरी में उनसे मिली प्रेरणा को अपने विचार के रूप में दर्ज की। रुक्मिणी साहू ने कहा कि जोगी जी एक महापुरुष थे जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए समर्पित कर दिया। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वे किसी मसीहा से कम नहीं थे। कोई भी गरीब असहाय कोई भी निवेदन लेकर जब अजीत जोगी से मिलने आते थे तो वे बड़ी सहजता से उनसे मिलते थे और तुरंत ही उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते थे। आज भले ही शारीरिक रूप से अजीत जोगी जी हमारे साथ नहीं हैं लेकिन उनके विचार व उपदेश हमारे साथ हैं। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उनकी इन्हीं विचारों को अपना आदर्श मान पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। इस दौरान उनके साथ नरेंद्र बंजारे, द्वारिका साहू सहित बड़ी संख्या में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस सर्वधर्म प्रार्थना एवं श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अनिला भेड़िया, रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री रामविचार नेताम सहित राज्य के अन्य दूसरे मंत्री, सांसद, विधायक व गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में शोकाकुल परिवार की ओर से उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु जोगी और पुत्र अमित जोगी ने सभा अतिथियों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं इस दौरान स्वर्गीय अजीत जोगी की आत्मा की शांति के लिए आयोजित भजनांजलि में देश के प्रसिद्ध भजनकार, भारती बंधु, पंथी गायक तुलेश्वर धृतलहरे सहित विभिन्न धर्मों के लोगों ने भजनांजलि के माध्यम से अपनी श्रद्धा सुमन अजीत जोगी जी को अर्पित की। ज्ञात हो कि इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश भर से जोगी समर्थक व जोगी को चाहने वाले कार्यकर्तागण जुटे थे। सभी ने अपने जन नेता, जन नायक, माटी पुत्र अजीत जोगी को हृदय से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ रायपुर जिला ग्रामीण महिला अध्यक्ष जोगी कांग्रेस से रुक्मणी साहू जी यहाँ पर है। जी मैम बताइए, आप क्या कहना चाहती है आज जोगी जी का, यहाँ पे सभी श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे राज्य भर से लोग आए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जोगी जी को श्रद्धांजलि देने राज्य के लोग आए हैं। जोगी जी उस लायक में थे और बहुत बड़ा महापुरुष थे और एक मसीह कहलाते थे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का। प्रदेश क्या बाहर से भी उनको चाहते हैं और मानते हैं। वो लायक में थे हमारे माननीय अजीत जोगी जी। जो भी आते हैं गरीब और जैसे भी सबका वो दुख और पुकार सुनते थे। कोई भी कार्य लेकर आते थे उनका कार्य को तुरंत के तुरंत उसी घड़ी उसका कार्य को पूर्ण करवाते थे। और आज जोगी जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन उसका सपना साकार करने के लिए हमारे जोगी कांग्रेस के जितना जब सब कार्यकर्ता भाई बहन लोग हैं वो पूरा करेंगे।